अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ कोमल एंड यू आर वॉचिंग रियल फूड ट्रेल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही यमी डिज़र्ट विच इज़ सॉल्टेड कैरमल ब्राउनी ट्राइफल। इसके लिए आपको ब्राउनीज़ रिक्वायर्ड होंगी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ जाके रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू विप अ क्रीम, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 400 ml विपिंग क्रीम ली है और इसको सॉफ्ट पीक्स होने तक विप करेंगे। इस क्वांटिटी से आप दो बड़े साइज़ के बोल्स इजीली बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज़ टू मेक सॉल्टेड कैरमल सॉस। एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप चीनी और 2 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करेंगे और एक स्पून की हेल्प से इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन के ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और सॉस को बॉईल कर लेंगे, देन फ्लेम को ऑफ करके सॉस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्हिपिंग क्रीम में से 1/2 हम अलग कर लेंगे और बाकी के 1/2 में हम प्रिपेयर्ड सॉल्टेड कैरमल सॉस को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर असेंबलिंग के लिए एक बोल लेंगे और सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे प्रिपेयर्ड ब्राउनी चंक्स, फिर उसके ऊपर ड्रिजल करेंगे सॉल्टेड कैरमल सॉस, देन इसके ऊपर डालेंगे सॉल्टेड कैरमल सॉस वाली क्रीम, फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे चॉकलेट सॉस या चॉकलेट गनाश। फिर इसके ऊपर ऐड कर देंगे चॉप्ड नट्स, आप अपने पसंद के कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, हियर आई एम यूजिंग पीनट्स एंड वॉलनट्स। फिर से ब्राउनी के चंक्स और व्हिपिंग क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। देन अगेन चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सॉस, जो आपकी मर्जी है। इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते हुए टॉप तक बोल को आप फिल कर दें। एंड पे जो है सिंपल प्लेन वाली वाइट व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। एंड पे आप इसको अपनी पसंद से डेकोरेट कर दें सॉल्टेड कैरमल सॉस से, चॉकलेट सॉस से और नट्स से। असेंबलिंग के बाद इसको आप ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दें 2 आवर्स, और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 4 to 5 आवर्स के लिए इसको आप फ्रिज में रख दें। मज़ेदार सा सॉल्टेड कैरमल ब्राउनी ट्राइफल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।